शहर में हुई बारिश से खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान गीली हो गई है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि खाद्य विभाग और खरीदी केंद्र प्रबंधक धान के बचाव के इंतजाम किए जाने के दावे कर रहे हैं। एकाएक हुई तेज बरसात से धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान की खराब होने के आसार बने हुए हैं। कई केंद्रों में धान गीली हो गई है। बताया कि खरीदी केंद्रों में बारिश से बचाव के कोई इंतजाम नहीं है, वहीं तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। खरीदी केंद्र जहां भी बनाए हैं अपने जिला प्रशासन ने, वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, अधिकारी मौके पर जाते नहीं है, जगह देखते नहीं है। अब किसान वहाँ पर एक एक दिन में एक एक ट्राली ले जाके खाली कर रहा है। बारिश से अब जब खरीदी नहीं हुई तो किसानों के मतलब बाहर जगह धान रखी हुई है और वो गीली हो रही है। जो पानी गिरा है उससे विलम्ब से खरीदी हुई, वो पानी से बहुत नुकसान हुआ धान का। जो कहाँ कहाँ पर हुआ है वो टिपरा? हाँ, हम लोग टिपरा। वहीं जिला पूर्ति नियंत्रक नुजरत बकाई का कहना है कि धान को गीला होने से बचाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि बारिश हुई है तो ये तो सर्वविदित है कि खुले में जो अनाज पड़ा हुआ है वो प्रभावित तो हुआ ही होगा। उसकी सुरक्षा करना भी प्रथम दृष्टया जो है वो सबसे प्रमुख काम है हमारा। मैडम, दिन भर बारिश चल रही है, चल रही है, क्या आपने निर्देश जारी किए कि धान को बचाने के लिए कहीं आपने सूचना? जी हाँ, हमारा जो ग्रुप है ई उपार्जन का ग्रुप है, मैं सुबह ही उसमें एक मैसेज डाल चुकी हूँ और जिला परिवहन अधिकारी को भी उसमें लिखा है कि तीव्र गति से परिवहन करा है। इसके अतिरिक्त भी समितियों ने फोटो जो है उसमें शेयर किए हैं, जिससे वो तिरपाल से अपनी उपज को ढकते हुए नजर आ रहे हैं।